इंस्पेक्टर को किसी ने बुलाया? मैंने? नहीं नहीं, मैंने नहीं बुलवाया, वो खुद ही आया है। आपका टेलीफोन तो डेड था। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था। हो सकता है कि बर्फ गिरने की वजह से टेलीफोन की लाइन डेड हो गई हो। बहुत खूब, तो बाकी दुनिया से बातचीत करने का एक ही रिश्ता था, वो भी टूट गया, क्या बात। आइए हम लोग जरा कुछ काम की बातें भी कर लें। आप अकेले में उसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं इंस्पेक्टर? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, यहाँ सब लोग मौजूद रहेंगे, मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। जी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी बड़े शौक से। नहीं नहीं, आप वहाँ बैठिए, मैं यहाँ बैठता हूँ। जी शुक्रिया। बताइए इंस्पेक्टर, हमने क्या किया है? क्या किया है आपने? मैं यहाँ क्यों आया हूं? मैं इसलिए नहीं आया कि आप लोगों ने कोई जुर्म किया, बल्कि यूं समझ लीजिए कि पुलिस की तरफ से आप लोगों की हिफाजत का इंतजाम करने आया। लेकिन हमारी हिफाजत का इंतजाम करने? जी हाँ। क्योंकि आपके समझ में यहां में कोई खतरा है? सब कुछ है या नहीं, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे ख्याल से खतरा हो सकता है और इसीलिए मुझे यहां भेजा भी गया। इस खतरे का ताल्लुक श्रीमती रुक्मणी देवी से, जिनका कल तल्ली ताल के मकान नंबर 144 में कत्ल। आप लोगों ने जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा हो। हाँ हाँ याद आया, कल दो तीन बार टीवी पर इसके बारे में बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा था इंस्पेक्टर। जी हाँ वही। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं, आप लोगों में सुसारत के बारे में कौन कौन जानता है? जी नहीं, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना। हो सकता है आप उसे रुक्मणी देवी के नाम से ना जानते, इसीलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मकतूला का असली नाम तारा देवी थी। तारा देवी शंकर सिंह की पत्नी थी और शिवपुर नाम के छोटे से कस्बे में रहती। शिवपुर, तो ये वही कस्बा है ना जहां काफी अर्सा पहले तीन यतीम बच्चों को लेकर कोई केस हुआ था? जी हाँ वही शिवपुर केस। तीन यतीम बच्चे, दो लड़के और एक लड़की। उन बच्चों को घर की जरूरत थी और घर को बच्चों। सुना है शिवपुर के वेलफेयर ऑफिसर ने उन बच्चों को शंकर सिंह के सुपुर्द कर दिया। वहां उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, काम बहुत अधिक कराया जाता था और खुराक ना मात्र, कपड़े भी ना के बराबर दिए जाते। इन सब मुश्किलात में एक बच्चे ने दम, जब बात बाहर फैली तो केस बन गया। उन दिनों अखबारों में भी बहुत चर्चा रही इसकी। जी हाँ, काफी दर्दनाक केस था। तारा देवी और शंकर सिंह पर मुकदमा चला, अदालत ने दोनों को सजाए कैद, दोनों जेल चले गए। शंकर सिंह तो जेल में ही मर गए और तारा देवी अपनी पूरी सजा काट कर रिहा हुई और शिवपुर छोड़कर के शहर चली। वहां उसने अपना नाम बदल करके रुक्मणी देवी रखा और तल्ली ताल के इस मकान में रहने लगी जहां कल सुबह उसका कत्ल कर। सुनिए मिस्टर, जिस जगह पर खून हुआ है उससे थोड़ी ही दूरी पर एक डायरी मिली है और पुलिस को पूरा यकीन है कि वो डायरी खूनी की जेब से गिरी होगी। उस डायरी में दो पते साफ साफ दर्ज, इस तल्ली ताल का मकान नंबर 144 और दूसरा स्नोव्यू गेस्ट हाउस। स्नोव्यू गेस्ट हाउस, इसीलिए सीआईडी ने हमको आगाह किया और सुपरिटेंडेंट साहब ने यही मुनासिब समझा कि मैं मौके पर जाकर के मालूम करने की कोशिश करूं कि क्या इस गेस्ट हाउस का या इसमें रहने वाले किसी मेहमान का तारा देवी और रुक्मणी देवी या शिवपुर केस से कोई ताल्लुक है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, हमारा इनमें से कोई ताल्लुक नहीं है इंस्पेक्टर। क्यों नहीं ना? और क्या? मुझे तो ये दोनों एड्रेस एक साथ
महज एक इत्तेफाक लगते हैं इंस्पेक्टर। लेकिन हमारे सुपरिटेंडेंट साहब को यकीन है कि ये दोनों एड्रेस एक साथ महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सच्ची बात तो यह है कि वो खुद यहां मौके पर आकर के तफ्तीश करना चाहते थे, लेकिन इस मौसम में उनके लिए यहां आना मुश्किल था, लिहाजा उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं मौके पर जाकर के मालूम करूं और मुझे या जो भी इंफॉर्मेशन मिले मैं उन्हें फोन पर सूचना दूं और हालात के मुताबिक आप लोगों की सुरक्षा का उचित प्रबंध करूं। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर जैसे यहां कोई किसी का खून करने वाला है। ये सब बातें मैं लेडीज के सामने कहकर उनको डराना नहीं चाहता था मिस्टर प्रकाश, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि यहां पर किसी के खून होने का सख्त, यही तो मैं मालूम करने के लिए यहां आया हूं मिस्टर प्रकाश। मुझे तो ये बहुत ही अहम बात लगती है इंस्पेक्टर। इसीलिए खतरा और भी ज्यादा है मिस्टर प्रकाश, क्योंकि पुलिस का ख्याल है कि ये खून किसी सिरफिरे का काम है। क्या बकवास है, कौन सिरफिरा इस मौसम में यहाँ आता है? नाकाबिले यकीन, इम्पॉसिबल, वंडरफुल। भाई कहानी तो वाकई बड़ी मजेदार है इंस्पेक्टर साहब। अभी थोड़ी कहानी बाकी है जनाब, क्योंकि उस डायरी में दोनों पतों के नीचे अंग्रेजी में लिखा था 3 blind mice। अंडे चूहे? जी हाँ, और रुक्मणी देवी की लाश के ऊपर एक कागज भी मिला है जिस पर 3 चूहों की तस्वीर बनी थी और मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, ये पहला चूहा है। और ये 3 ही बच्चे थे जिनमें से एक मर गया था। जी हाँ, सबसे छोटा जो लगभग 11-12 बरस उम्र का था। और इंस्पेक्टर दूसरे दोनों बच्चे? लड़की को किसी ने गोद दे दिया, उन्हीं के साथ वो कहीं बाहर चली गई, अब वो कहां है कोई बड़ा लड़का जो इस वक्त लगभग 30-40 बरस उम्र का होना चाहिए, वो पहले फौज में भर्ती हुआ और फिर वहां से भाग गया, अब वो कहां है कोई नहीं जानता। आर्मी से जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट हमको मिली है उसके मुताबिक उसके दिमाग में थोड़ा सा खलल था, यानी कि संकी कह सकते हैं हम उसे। और सीआईडी का क्या ख्याल है कि तारा देवी, मेरा मतलब है कि रुक्मणी देवी का खून उसी ने किया है? जी हां, इसके संबंध में भी हमारे पास कुछ ठोस सबूत है। और ये भी कि वो सिरफिरा यहां भी किसी का खून करने जरूर आएगा। लेकिन इसी जगह क्यों? यही तो मैं मालूम करने के लिए यहां आया हूं मिस्टर प्रकाश, और आपका बयान है कि आपका तारा देवी और रुक्मणी देवी से कोई संबंध नहीं है। जी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपका बयान अभी भी अधूरा है मिस्टर प्रकाश। जी नहीं, मेरा मतलब है कि हमारा तो उससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं इंस्पेक्टर। और इस घर के किसी नौकर का? नौकर? नौकर तो हमारे यहाँ कोई खास नहीं। हाँ, एक आदमी से लड़कू, मैं उसे यहाँ पर भेज देती हूँ। ठीक है। अब आप लोग मुझे एक एक करके अपने नाम और एड्रेसेस नोट करा दें। नाम और पते? देखिए मिस्टर, हम सब एक रिस्पेक्टेबल लोग हैं और इस गेस्ट हाउस में छुट्टियां मनाने आए हैं। यहाँ या आसपास के इलाके में क्या होता है इससे हमारा क्या वास्ता, हमें क्यों खामखा परेशान कर रहे हैं आप? देखिए मैडम, ये बात ठीक है कि आप सब लोग रिस्पेक्टेबल लोग हैं और इस गेस्ट हाउस में छुट्टियां बिताने के लिए आए हैं, और हो सकता है कि यहां के लोकल झमेलों से भी आपका कोई वास्ता ना हो, लेकिन जरा सोचिए कि आप सब लोगों ने अपने कमरे यहां बहुत पहले से बुक करा रखे थे, क्या ये बात सच है? जी हाँ, हम सभी ने केवल मिस्टर रद्दा बड़ी बेग इस वक्त साहब, ये दुरुस्त है कि मैंने अपना कमरा पहले से बुक नहीं कराया, लेकिन मैंने आपसे अर्ज किया ना कि मेरी गाड़ी बर्फ में फिसल कर उलट गई, नजदीक चंद लम्हे आराम करने के लिए एक अच्छी जगह मुझे दिखाई दी और बस मैं यहाँ पर आ गया। अरे भाई, इसमें मैंने कौन सी गलती कर दी? देखिए, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आप लोगों में से जो कोई भी है वो जरूर जान गया होगा कि आप लोग इस जगह पर आएंगे, तभी इस जगह का उस डायरी में नाम था और वो आप लोगों का पीछा कर रहा होगा। इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी ये जान लेना चाहता हूं कि आप में से वो कौन है जिसका शिवपुर केस से कोई ताल्लुक है। इस
किस तरीके से खामोश रह करके आप लोग अपने आप को कितनी बड़ी परेशानी में डालते हैं। पुलिस के साथ कोऑपरेट ना करके आप लोग खुद नुकसान उठाते हैं, और बता भी होती है हम पुलिस वालों की छी। अब मैं एक एक करके सबसे पूछता हूं, आप मिस्टर राजा माफ करिएगा इंस्पेक्टर, तलफ्फुज का ख्याल रखिए जरा, राजब नहीं रज्जब अली बेग। इंस्पेक्टर साहब मैं इस इलाके में बिल्कुल अजनबी हूं, कभी इधर आने का इत्तफाक ही नहीं हुआ। और आप श्रीमती, आप ही से पूछ रहा हूं मैडम, लीला दास आपका इस शिवपुर केस से कोई ताल्लुक? मेरी समझ में नहीं आता इस किस्म के वाहियात केस से मेरा क्या वास्ता, अब पुलिस वालों को हो क्या गया? कौन हो तुम? आर्मी से रिटायर्ड हुआ और जिस जमाने में ये केस हुआ था मैं शायद वहीं पोस्टेड था, लेकिन शायद मुझे याद आ रहा है कि मैंने अखबारों में इस केस के बारे में शायद पढ़ा था, लेकिन मेरा इस केस से जाति संबंध नहीं। ओह आई सी। और आप मिस्टर वर्मा, रवि वर्मा, ये केस क्या हुआ था इंस्पेक्टर? पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 14-15 साल पहले। तो जनाब मैं बच्चा ही था, अगर इस बारे में कोई बात कान पड़ी नहीं होगी तो बता कैसे आ सकती है? क्या ख्याल है? बहुत खूब, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं, किसी का कोई ताल्लुक नहीं इस केस से। नहीं बताना चाहते तो ना सही, आपकी मर्जी, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अब अगर यहां पर किसी की जान गई तो उसका जिम्मेदार वो खुद हो। मिस्टर प्रकाश, मिस्टर प्रकाश जी, मैं इस गेस्ट हाउस को जरा एक नजर देख लेना चाहता हूं। जी हाँ भाई। मिस्टर दरवाजा बंद कर दीजिए, हवा आ रही है। ओहो कितनी खूबसूरत सिचुएशन है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, और बर्फ में गिरे कुछ अनजान लोग और पुलिस। पुलिस के आते ही हलचल सी मच गई है, लेकिन जो भी है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अरे हाँ वो नर्सरी राइम क्या थी? हाँ, थ्री ब्लाइंड माइस। मिस्टर रवि वर्मा प्लीज स्टॉप इट। मुझे अफसोस है मिसेस दास कि आपको ये धुन पसंद नहीं आई, शायद इसलिए कि आपके दिमाग में वो तस्वीर ही नहीं बनी, लेकिन जरा ख्याल तो कीजिए बातिल यही धुन गुनगुनाता हुआ प्रवेश करता है, कुछ दिनों से खून करता है और फिर यही धुन गुनगुनाता हुआ चला जाता है, जैसे ये धुन खून करने की सिग्नेचर जुड़ो। तो पागल हो, जिस किसी ने कहा मान लिया, मैं तो रत्ती भर विश्वास नहीं करती ऐसी बातों पर। अरे ना सही, लेकिन थ्रिल तो है। कैसा थ्रिल? देखिए जैसे मैं एक कातिल हूँ,
और ये धुनधुन बना रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ बढ़ता हूँ और मेरे ये हाथ आपकी गर्दन के करीब पहुंचते हैं और आपको शर्म आनी चाहिए, ये भी कोई मजाक है। ये मजाक नहीं है मेजर साहब। क्या इससे खूबसूरत मजाक भला और क्या हो सकता है? कैसा ठीक जानवर है ये? बेहद बदतमीज। ये इज एन इडियट। मुझे मिस्टर रवि वर्मा के रंग रंग देखकर पक्का यकीन हो गया है वो बिल्कुल पागल है। मेरा उनके साथ यहाँ रुकना नामुमकिन है। क्या मेजर साहब जी? क्या आप इस तरह टकटकी भरने मुझे क्या देख रहे हैं? मिसेस दास, मुझे कुछ याद आ रहा है। कुछ क्या आप ही तो वो ऑफिसर नहीं थे जिन्होंने उन बच्चों को शंकर सिंह के हवाले कर दिया था? अगर होंगे भी तो उन बच्चों के साथ जो हुआ उसके लिए मैं कैसे कसूरवार हो सकती हूँ? सोशल वर्कर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शंकर सिंह एक अच्छा खाता पीता आदमी था। उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। उसने यतीम बच्चों की अच्छी परवरिश की कसम खाई थी। यही सब देखकर मैंने बच्चों को उसके हवाले कर दिया था। तब मुझे क्या मालूम था कि शंकर सिंह इतना बुरा आदमी निकलेगा। हाँ हाँ याद आया, शायद आप ही थी वो। हाँ आप ही थी वो। यही ना, मैंने सारी उम्र जनता की सेवा में बिता दी और बदले में मिली क्या बदनामी। बिल्कुल बजा बरपाया मत करो। आज के जमाने में नेकी के बदले तो बदनामी ही तो मिलती है। मुझे तो ये आदमी भी बिल्कुल पागल लगता है। न जाने कहाँ से छलावे की तरह अंधेरे में चला आता है। जरूरी खत लिखने देखिए ना, अभी 4 ही बजे हैं और अभी से कितना अंधेरा हो गया। ओ, मुझे भी अपने कमरे में जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। जी हाँ। लाइट चला दी। मिस्टर प्रकाश, ये इधर क्या है? उधर गोडाउन है। मिस्टर, दरवाजा बंद कर दीजिए, हवा आ रही है। लगता मैं सुपरिटेंडेंट साहब को अपनी रिपोर्ट दे दूं। जी हाँ। मिस्टर प्रकाश, आपका टेलीफोन। जी इस तरफ। लेकिन फोन तो डेड है इंस्पेक्टर। जी हाँ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो सुपरिटेंडेंट साहब से आपकी बात हुई थी ना? ये भी तो हो सकता है कि इसको किसी ने जानबूझकर काट डाला। जानबूझकर बनाया तो कोई क्यों करने लगा? और फिर कर भी कौन सकता है? वो भी कर सकता है। मिस्टर प्रकाश, आप क्या इतने सारे मेहमान ठहरे हुए हैं, आप इन सब के बारे में क्या जानते हैं? बताइए, क्या जानते हैं आप इन सब के बारे में? जी हम इनमें से किसी के बारे में कुछ नहीं जानते इंस्पेक्टर। और मिसेस प्रकाश, आप? मैं भी कुछ नहीं जानती इंस्पेक्टर। लेकिन आपको इन सब के बारे में जान लेना चाहिए था मिसेस प्रकाश।
खैर आप फिक्र मत कीजिए, इन सब के बारे में तो रिपोर्ट में मंगवा लूंगा। अभी तो मुझे फिक्र है उस सिर्फ एक खूनी की, वो अगर अब तक यहां पहुंचा हो। यहां क्यों मिस्टर प्रकाश? कत्ल कल सुबह हुआ था और आपके तमाम मेहमान यहां पर शाम तक पहुंचे थे। यहां से शहर की दूरी कितनी है मिस्टर प्रकाश? सिर्फ 3 मील। कोई भी बड़े आराम से आ सकता है इंस्पेक्टर। लेकिन सिवाय मिस्टर वेग की और सबने अपने कमरे बहुत पहले ही बुक करवा रखे थे। क्या मुलजिम अपना जुर्म पहले से प्लान नहीं कर सकता मिस्टर प्रकाश? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सी बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही। इंस्पेक्टर आपके पास उस आदमी का हुलिया तो होगा। हुलिया? क्या हुलिया है मिसेस प्रकाश, क्या हुलिया है? गहरे रंग का कोट और गले में मफलर। अब इधर देखिए, 3 कोट और मफलर यहां पर टंगे, इसमें से एक आपके हस्बैंड का भी हो सकता है। मेरा? लेकिन इंस्पेक्टर देखिए हालात को बखूब शक पैदा कर रहे हैं। अब इस टेलीफोन को मुझे तो शक है कि इसको किसी ने जानबूझकर काट डाला, और जब तक मैं अपनी जांच पूरी ना कर लूं मेरा यह शक बना ही रहेगा। लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है नीना, आप तो मैं फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब है, मैं हूं, और फिर अभी तुम्हें रात का खाना भी तो बनाना है। तुम रसोई देखो। हाँ वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो, मैं अभी आती हूं। हाँ तुम जाओ। प्रकाश जी, इस टेलीफोन का कोई एक्सटेंशन भी है क्या? जी हाँ, ऊपर मेरे बेडरूम में है। आप जरा जाकर के चेक तो करिए, हो सकता है ये इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो। मैं बाहर जाकर के लाइन चेक करता हूँ। जी मैं अभी जाकर देखता हूँ। अच्छी तरह से याद कीजिए और सोच कर बताइए आपने आने पर क्या देखा था। याद करने की कोशिश कीजिए मिसेस प्रकाश। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा इंस्पेक्टर, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या हुआ? कुछ भी याद नहीं आ रहा इंस्पेक्टर। देखिए आप रसोई में, आप वहां से यहाँ आई, आपने आगे बढ़कर के लाइट जलाई।
और देखा मिसेस दास या मुर्दा पड़ी है। हाँ इंस्पेक्टर, कुछ 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 ऐसा इंस्पेक्टर, कुछ कुछ इसी तरह था। फिर क्या हुआ था? अच्छी तरह से याद करिए और सोच करके बताइए कि क्या आपने यहां आने पर कोई आवाज सुनी थी? आवाज? मेरा मतलब है किसी के कदमों की आवाज, किसी के चीखने की आवाज। हाँ हाँ इंस्पेक्टर, जहां तक मुझे जान पड़ता है शायद मैंने जो बहुत जोर जोर से चल रहा था और मैं इसकी आवाज सुनकर यहां पर आई थी इंस्पेक्टर। मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि एक बात तो तय है कि आपके इस कमरे में प्रवेश करने और पुनी के यहां से जाने में कुछ ही सेकंड्स का फर्क रहा होगा। अब अगर खूनी इस तरफ से गया है या किसी और रास्ते से बाहर निकला है तो एक बात तो है मिसेस प्रकाश, आपने कोई ना कोई आवाज जरूर सुनी होगी। अच्छी तरह से याद करके बताइए, क्या टेलीविजन की आवाज के अलावा में आपने कोई आवाज सुनी थी? हाँ इंस्पेक्टर, मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है इंस्पेक्टर। बताइए मिसेस प्रकाश। पीछे का कोई दरवाजा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। याद करने की कोशिश कीजिए मिसेस प्रकाश, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आवाज किस तरफ से आई थी। देखिए मैं आपको तमाम हालात एक बार फिर से बताता हूँ। मीना पहले कितनी बुरी तरह से अपसेट है, लेकिन फिर भी आप उसे परेशान किए जा रहे हैं। आप अपनी जिरह थोड़ी देर के लिए बंद नहीं कर सकते? ये खून का केस है मिस्टर प्रकाश। अभी तक मैं आप लोगों से जो भी बातें पूछता रहा, आप लोगों ने उसको हंसी मजाक में उड़ा। मिसेस दास ने भी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और अपनी जान से हाथ धो गई। उन्होंने मुझसे वो बातें छुपाई जो कि उनको मुझे बता देनी चाहिए, और उन्होंने क्यों? आप सब भी मुझसे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे तो डर है कि अगर मुझे अभी भी सही सही जानकारी नहीं दी गई तो यहां पर एक फूट और हो सकता है। लेकिन क्यों? क्योंकि चूहे तीन थे और हर चूहे के बदले जान ली जाएगी, क्योंकि आपका ख्याल है पूनी वही पागल नौजवान है। डायरी में सिर्फ दो ही पते दर्ज थे मिस्टर प्रकाश, और पल्ली ताल वाले मकान में रुक्मणी देवी अकेले ही रहे। मगर डॉक्टर साहब, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। हालात को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मिसेस प्रकाश, आपका बयान है कि आप ऊपर रसोई में, आप यहां आई, आपने देखा अंधेरा पड़ा, टीवी बहुत तेज वॉल्यूम में चल रहा, आपने आगे बढ़ करके लाइट जलाई और देखा मिसेस दास या मुर्दा पड़ी, फिर क्या हुआ? क्या याद करके बता सकती हैं कि कौन किस तरफ से आया था? मुझे कुछ भी याद नहीं इंस्पेक्टर, मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो इधर आओ। तुम कहाँ थे? रसोई में। तो तुम यहां कैसे पहुंचे? तुम रसोई से पहले बाहर निकले थे या इनके निकलने के बाद? तो तुम रसोई में नहीं थे। कहां थे तुम? ढाबे में। क्या करने गए थे? बीड़ी पीने गया था साहब। यहां कैसे पहुंचे? बीबी जी की चीख सुनकर। तुमने कोठरी में मिसेस प्रकाश की चीख सुनी थी? जी। चीख मिस्टर प्रकाश, जब मैं टेलीफोन का लाइन चेक करने के लिए बाहर चला गया था
तो आप ऊपर अपने कमरे में एक्सटेंशन चेक कर रहे थे, फिर क्या हुआ? बस मैंने ऊपर जाते ही टेलीफोन देखा, वो डेड पड़ा हुआ था। ये देखने ये कि तार कहीं आसपास से तो नहीं टूटा। मैंने खिड़की खोली, वहां खूब अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दिया। लिहाजा मैंने खिड़की बंद कर दी और वहां पर नीचे आ गया। और मिस्टर वर्मा, आप? मैं पहले एक्सरसाइज में गया किसी प्रकाश को मदद करने। तो बात यह है कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, पर वहां मेरे लाइफ में काम ही नहीं था, इसलिए मैं कमरे में चला गया। किस लिए? इसलिए बड़ा दिलचस्प सवाल साहब, मेरा अपना कमरा है और अगर कमरे में जा जाए ना तो कमरा तुम्हारा बुकिंग की अगर आ जाए तो मैं गया था जरा ऐसे आराम करने। तो आप आराम करने गए थे? जो भी करने गया था मैं आपको बता चुका। आप और मिस्टर प्रकाश कमरे में गए, तो आप यहां कैसे पहुंचे? वहां आपने मिस्टर प्रकाश की चीख सुनी थी, तो नीचे आ गए। अजीब बात, आप और मिस्टर प्रकाश दोनों मिस्टर प्रकाश की चीख सुनकर के यहां नीचे आ गए, लेकिन रास्ते में एक दूसरे को मिले नहीं। और वेद साहब, आप डॉक्टर साहब, ये मसाला थोड़ा कम खा लिया करिए वेद साहब। डॉक्टर साहब, मैं अपने कमरे में हौले हौले पियानो बजा रहा हूं। आप लोगों में से किसी ने कैसे सुना था? मेरा ख्याल है कि शायद शायद किसी ने सुना हो, क्योंकि मैं कैसियो बहुत ही होले होले बजा रहा था। शायद मैंने आवाज सुनी थी इंस्पेक्टर। ओ, तो आप कैसियो बजा रहे जी? होले होले टीवी आवाज एकदम अचानक तेज हो गई, मेरे कानों को बड़ा नागवार गुजरा। मैंने अपने कान दोनों हाथों से बंद कर लिए। अचानक मेरे कानों को चीरती हुई और मेरे रूह में उतर गई और मैं दीवाना बात कर इधर हफ्ता हुआ इधर चला गया। मिस्टर प्रकाश अपने कमरे, मिसेस प्रकाश रसोई में, मिस्टर रवि वर्मा कोठरी, लखू अपनी कोठरी, और मेजर साहब आप? बस कुछ नहीं, यूं ही मैं इधर से निकल रहा था, एक दरवाजा दिखाई दिया मुझे। देखने के लिए मैंने दरवाजा खोला तो नीचे सीढ़ियां नजर आई और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। वो दरवाजा आपने बंद किया था क्या? नहीं, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मेजर साहब, आपको ये तो मालूम है ना कि मिसेस प्रकाश ने नीचे आते वक्त एक दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी थी। क्यों नहीं, हो सकता है ये वही दरवाजा हो। क्यों नहीं, हो सकता है वो इस दरवाजे की हो या वो किसी और दरवाजे की भी हो सकती। लेकिन अगर दरवाजा यही है उंगलियों के निशान तो जरूर होंगे ना, लेकिन उंगलियों के निशान देखना बिल्कुल बेकार है। जब भी कोई होशियार मुजरिम इस किस्म के काम करता है तो दस्ताने पहन कर करता है। मेजर साहब, मुझे कितना भी होशियार क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती ऐसी जरूर कर बैठता है जो उसको हमारे पाले में ला करके फेंक देती। जब भी आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ सिर्फ एक ही ऐसा आदमी है जो मुल्ज़िम के होलिये के ऐन मुताबिक है, जिसकी उम्र भी लगभग उतनी है और दिमागी तौर पर भी उसी तरह का मालूम होता है। प्रकाश, इस केस की तहकीकात मैं कर रहा हूँ या आप? तो फिर ठीक है, आपकी जो समझ में आए आप करते रहिए, मुझे क्या। मिस्टर प्रकाश वापस आइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि मिसेस दास के कत्ल करने का मौका आप लोगों में से किस किस के पास। घर में दो सीढ़ियां,
कोई भी किसी भी सीढ़ी से उतर करके दूसरी सीढ़ी से आसानी से बाहर जा सके। और इस घर के सारे कमरे आपस में इस तरीके से मिले हुए हैं कि कोई भी एक दरवाजे से दाखिल होकर के दूसरे दरवाजे से आसानी से बाहर जा सकता है। और एन खून के वक्त आप सब लोग अपनी अपनी जगहों पर अकेले और कोई भी किसी के बयान से तस्दीक नहीं करता, लिहाजा मैं समझ सकता हूं कि आप सबके पास में खून करने का बराबर का मौका था। दूसरे लफ्जों में आप ये कहना चाहते हैं कि आप हम सपोर्ट रखें, आपकी नजर में हमसे मुलजिम है, खूनी है। व्हाट डू यू मीन मिस्टर प्रकाश? ये कोई मामूली खून का केस नहीं है, बल्कि आप किसी तीसरे आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल है। हिफाजत के लिए तो कर रहा हूं। मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूं, लेकिन एक गेस्ट हाउस का मालिक होने के नाते अपने मेहमानों की सुरक्षा करने की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो मुझ पर है, इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। बोलिए। देखिए, अब तक के हालात से ऐसा लगता है कि ये खूनी वही लड़का हो सकता है जो उन तीनों बच्चों में सबसे बड़ा है। बिल्कुल ठीक। जिसके दिमाग पर थोड़ा सा खलल है और जिसकी उम्र भी लगभग 30 या 40 साल की होनी चाहिए। जी हां, पुलिस का भी यही ख्याल है। तो फिर सब देखते हुए भी आप खामोश क्यों हैं? यहाँ मौजूद सभी लोगों में सिर्फ एक ही ऐसा है जो मुलजिम के हुलिये के ऐन मुताबिक है, जिसकी हर बात हर आदत हूबहू सजाने खूनी जैसी है, और वो है मैं। अगर शक की वजह से नहीं तो ना सही इंस्पेक्टर, एहतियात के तौर पर ही गिरफ्तार कर लीजिए ताकि हम बाकी के लोग को चैन की सांस ले सके। आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं वो नहीं हूँ जो आप समझते हैं। आप सब लोग क्यों मेरे खिलाफ हैं? क्यों झूठा इल्जाम लगाते मुझे फंसाना चाहते हैं? कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं है रवि, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मीना, तुम ये क्या कह रही हो? आप बेफिक्र रहिए मिस्टर वर्मा, बेगुनाह लोगों को झूठा इल्जाम लगा करके उनको गिरफ्तार करना हमारा काम नहीं है। इंस्पेक्टर, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है, आप सब मेहरबानी करके अपने अपने कमरे में चले जाइए। ओके। हाँ तो बताइए मिसेस प्रकाश, क्या कहना चाहती हैं? देखिए इंस्पेक्टर, यूं तो आप इस केस को मुझसे बेहतर ही समझते हैं, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में दो एक ऐसी बातें थी जिन्हें मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताइए मिसेस प्रकाश, कभी कभी छोटी छोटी बातें भी अहम सुराग दे दिया करती हैं। आप फरमाइए। देखिए, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बिना पर और इस हालात को देखते हुए अंदाजा लगाया है कि हो ना हो ये मुलजिम वही बड़ा लड़का है जो फौज से भागा हुआ है। बिल्कुल ठीक मिसेस प्रकाश। और इंस्पेक्टर, आप बता रहे थे कि उन बच्चों की माँ बीमारी के मारे मर गई थी और उनका बाप पहले घर बार छोड़ के चला गया था, इसी वजह से उन बच्चों को शंकर सिंह के यहाँ भेजना पड़ा था। जी बेशक। तो क्या आप बता सकते हैं कि उन बच्चों का बाप उस वक्त कहाँ है? शिपुर केस की जो रिपोर्ट पुलिस की फाइल में है उसके मुताबिक वो पहले फौज में भर्ती होकर के मूल के लिए किसी लड़ाई पर बाहर गया था, वहां से वो भाग गया, अब वो कहां है कोई नहीं जानता। तो जरा सोचिए इंस्पेक्टर, क्या ये मुमकिन नहीं कि लड़ाई खत्म होने के बाद जब वो वापस लौट कर आया हो और उसे पता चला हो कि उसकी बीबी बीमारी के मारे मर चुकी है और उसके बच्चों के साथ शंकर सिंह के घर ऐसा वहशियाना सलूक किया गया है? तो जरा सोचिए इंस्पेक्टर, उस बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी? क्या ये संभव है कि बदला लेने की भावना उसे किसी का खून करने के लिए पागल कर दे? और यही नहीं, हो सकता है कि रुक्मणी देवी का गला भी उस पागल बाप ने घोट डाला हो।
ये बिल्कुल मुमकिन है मिसेस प्रकाश। और अगर इंस्पेक्टर देखा जाए तो उस खूनी की उम्र 40-50 यही नहीं उससे ज्यादा बड़ी भी हो सकती है। बेशक। तो क्या अब आप ही समझिए इंस्पेक्टर कि इस केस में रवि ही अकेला सस्पेक्ट नहीं है, किसी पर भी शक किया जा सकता है। किसी पर भी शक किया जा सकता है? अब आप ही बताइए इंस्पेक्टर, वो भी मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने पुलिस के आने की बात की तो मिस्टर बेग जो आतिशबाजी में लकड़ियाँ ठीक कर रहे थे एकदम से घबरा गए, बहुत ज्यादा चौंक गए थे। मिस्टर रजब अली बेग? जी हाँ, यूँ देखने में तो उम्र का ज्यादा नहीं लगता और इस तरफ का रहने वाला भी नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर मुझे यकीन है कि वो इतना सीधा और शरीफ नहीं जितना अपने आप को जाहिर करने की कोशिश करता है। आपको किसी और पर भी शक है क्या मिसेस प्रकाश? मैं शक तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जब मैंने पुलिस के आने की बात कही तो मेजर विक्रम सिंह एकदम से घबरा गए, बहुत ज्यादा शॉक गए थे इंस्पेक्टर, उनके चेहरे का रंग तक बदल गया था। ओ, मेजर विक्रम सिंह बच्चों का बाप? जी हाँ इंस्पेक्टर, अब आप ही बताइए। इसमें रवि ही अकेला सस्पेक्ट नहीं है, हम सबके ऊपर शक कर सकते हैं। वो तो ठीक है मिसेस प्रकाश, यूं अगर पॉसिबिलिटीज पर ही बात की जाए तो यहां मौजूद लोगों में से कोई भी शक के दायरे के बाहर नहीं है। मिसाल के तौर पर आप भी। मैं? जी हाँ आप। अब देखिए ना, उन दोनों भाइयों की एक बहन भी, और अगर उम्र के लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त उसकी उम्र भी लगभग उतनी ही होनी चाहिए जितनी की आपकी है। लेकिन इंस्पेक्टर मैं तो आपको अपने बारे में सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन मिसेस प्रकाश आप जो कुछ भी मुझे इस वक्त बताएंगी उसके सच और झूठ को ना तो पता लगाने का मेरे पास इस वक्त है और ना कोई तरीका। तो क्या इंस्पेक्टर आप मुझ पर भी शक करते हैं? जी हाँ, और आपके हस्बैंड पर भी। प्रेम पर भी? ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर? मिस्टर रवि वर्मा और मिस्टर प्रेम प्रकाश की उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है मिसेस प्रकाश। खैर छोड़िए, आप ये बताइए आप अपने हस्बैंड को कितना जानते हैं? मैं अपने हस्बैंड को कितना जानती हूँ? अब ये भी क्या मुझे किसी को बताना पड़ेगा? प्रेम को मुझसे ज्यादा और जान भी कौन सकता है। बेबी, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ मिसेस प्रकाश? बस यही साल भर। ये शादी आपके माँ बाप ने तय की थी? जी नहीं, वो जिंदा नहीं। ओहो, तो ये मिस्टर प्रेम प्रकाश के माँ बाप ने तय की होगी? जी नहीं, वो भी जिंदा नहीं। तो फिर आपकी शादी मिसेस प्रकाश? तो क्या कल मिस्टर प्रेम प्रकाश पूरे दिन गेस्ट हाउस में थे? जी नहीं, पूरे दिन नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए बाजार तक गए थे क्योंकि उन्हें मुर्गियों के लिए जाली लानी थी। मिसेस प्रकाश, यहाँ से शहर की दूरी कितनी है? सिर्फ 3 मील। और 3 मील की दूरी तय करने में वक्त कितना लगता है? आपके हस्बैंड के पास उसकी अपनी जीप है। लेकिन इंस्पेक्टर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, प्रेम कल शहर नहीं गया था, बिल्कुल भी नहीं गया था, ये नामुमकिन है इंस्पेक्टर। मिसेस प्रकाश, कल प्रेम प्रकाश शहर नहीं गए थे ना? जी नहीं। ये कोट आपके हस्बैंड का ही है ना मिसेस प्रकाश? जी हाँ। ये देखिए, ये कल का लेट सिटी एडिशन, ये केवल शहर में छपता है और शहर में बिकता है। मुझ पे यकीन करिए आप, ऐसा नहीं हो सकता।
जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए मिसेस प्रकाश, इस संसार में सब कुछ हो सकता है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, मैं जरा बाकी लोगों से बात करके आता हूँ। इंस्पेक्टर आदित्य, वो शायद दूसरे कमरे में। लेकिन क्या हो गया? मुझे इस आदमी से डर लगता है रीना जी, मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ सब लोग मेरे खिलाफ हैं, सब यही समझते हैं कि मैं ही वो खूनी हूँ, और तो और आपके हस्बैंड ये साफ साफ कह चुके हैं कि मैं ही वो खूनी हूँ। तुम उनकी परवाह मत करो रवि। सुनो रवि, मेरी तरफ देखो और मुझे जवाब दो, तुम कब तक अपनी जिंदगी से दूर भागते फिरोगे? ये आप क्या कह रही हैं नीना जी? तो क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? जी नहीं, शायद आप ठीक कह रही हैं। तब फिर सच सच बताओ कि तुम्हारा असली नाम रवि वर्मा नहीं है ना, और ना ही तुम आर्टिस्ट हो, ना ही तुम्हारा पेंटिंग से कोई वास्ता है। मैं? हाँ रवि, बोलो रवि। मैंने स्कूल में एक बार तस्वीर बनाने की कोशिश की, तो सारी क्लास ने मेरी खिल्ली उड़ाई, मेरा मजाक उड़ाया, और चिढ़ाने के लिए रवि वर्मा पुकारने लगे। मैं उदास हो जाता, मैं अपने आप को रवि वर्मा समझने लगा, और अब जो भी मुझे इस नाम से पुकारता है तो मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, और इस खुशी को हमेशा अपना बनाए रखने के लिए मैं और को यही नाम बताने लगा। आप नहीं जानती नीना जी, कभी कभी जोर से इंसान को कितनी खुशी मिलती है। तब फिर सच सच बताओ कि तुम्हारा असली नाम क्या है? मैं भूल चुका हूँ नीना, मेरा असली नाम क्या है, और अब मैं याद भी नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों रवि? क्योंकि मैं फौज से भागा हुआ हूँ। पर तुम भागे क्यों वहां से? क्या तुम्हें खतरों से डर लगता है? नहीं, मैं कभी तो एक बार मेरे गांव में वो जाना है, हमारे घर की छत बैठ गई, पर मेरी माँ उसके नीचे धरकर मर गई। मैं घर आया और फौज चला कभी नहीं गया, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था नीना जी कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं ही यहाँ एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके हालात उस खूनी से हूबहू मिलते हैं, और तो और ये इंस्पेक्टर अब मुझे ही मुजरिम समझता है। इंस्पेक्टर इंसान नहीं, सिर्फ एक मशीन है जिसे अपना काम अपने उसूलों से करते जाना है। मुझे तो नफरत होती जा रही है इंस्पेक्टर से, और तुम्हें पता उसने मेरे साथ क्या किया? आपके साथ? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि वो किसी के दिमाग में ऐसी चीजें बाहर नहीं कर सकता है। लेकिन मैं नहीं मान सकती, मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती, ये सरासर झूठ है। ये सब आप किसके बारे में कह रही हैं जी? किसके? ये देखो अखबार, ये प्रेसी ओवरकोट की जेब से मिला। इंस्पेक्टर को यकीन है कि प्रेम कल शहर गया था, लेकिन अगर गया था तो मुझे बता सकता।
लगता है इस मर्डर केस की वजह से उन्होंने बताना मुनासिब ना समझा। लेकिन उसे क्या पता कि कल शहर में किसी का खून हुआ है। शायद किसी ने इंस्पेक्टर ने सोचा हो। चलिए मैं भी आपके साथ। रहने दीजिए मिस्टर रवि वर्मा, मीना को आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके आप मेरी वाइफ से दूरी रहिए, मैं उसे किसी सस्पेक्ट के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे भी इनकी जान की फिक्र है, इसलिए मैं इन्हें तुम्हारे साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। What do you mean? ये क्या कर रहे हो प्रेम? रवि तुम जाओ यहाँ से, प्लीज रवि जाओ यहाँ से। ठीक है नीना जी, आप कहती हैं तो मैं चला जाता हूँ।